देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सेक्शन 128 कंपनी एक्ट का क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ETC क्या है कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। एवरी कंपनी कह रहा है, ये सेक्शन क्या कहता है, सभी कंपनी क्या है, क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगी और प्रिपेयर एंड कीप इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पर रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या रखेंगे, ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रखेंगे, ठीक है। अदर रिलेवेंट बुक्स को रखेंगी, बुक्स को रखेंगी, पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगी, किस लिए, एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, समझ में आया। और फिर सेक्शन 128 क्या कहता है, स्पेसिफाई दैट, पहला यह है कि कंपनी क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी और कीप करेगी, कहाँ पर, रजिस्टर्ड ऑफिस में, क्या, पहला बुक ऑफ अकाउंट और प्लस अदर रिलेवेंट बुक पेपर और रिलेवेंट बुक पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस लिए, एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए। दूसरी चीज, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मस्ट बी गिव, पहला क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए, ऑफ द स्टेट ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर इट्स ब्रांचेज, किस चीज़ के बारे में, अफेयर्स ऑफ या तो कंपनी या तो ब्रांच, बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट, इसको कहाँ केप्ट होना चाहिए, किस बेसिस पे, एक्रुअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू डाउट इंट्री डबल इंट्री स्कीम, डबल इंट्री सिस्टम में ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ETC, इसके बारे में है। और इसमें क्या है, इसमें है प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, प्लेस कौन कौन सा होना चाहिए, सेक्शन 128 का सब क्लॉज 1, इस एक्ट का क्या कहता है, एवरी कंपनी, सभी कंपनी क्या करेंगी, प्रिपेयर करेंगी और कीप, प्रिपेयर एंड कीप बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिलेवेंट पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है, जो अभी हमने अदर रिलेवेंट बुक्स पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक, क्या करेंगे, ये रखेंगी, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ रखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में, पहला तो बात ये हो गई, सेक्शन 128 कहता है कंपनी प्रिपेयर करेगी और कीप करेगी बुक ऑफ अकाउंट बुक्स पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहाँ पर रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक। हाउएवर ऑल आर एनी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट एट सच प्लेस अदर देन इन इंडिया, आल सभी या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट मे बी केप्ट
एट सच प्लेस अदर द सच अदर प्लेस इन इंडिया, अगर इंडिया के बाहर अगर कहीं भी रखा जा रहा है, आउटसाइड इंडिया अगर ये रखा जा रहा है, तो फिर क्या होगा उस दशा में, किसका डिसीजन, इफ आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड देन ये कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। जब ये जो बोर्ड जब ऐसा डिसाइड करेगा, देन क्या होगा, देन कंपनी इस दशा में क्या करेगी, जो कंपनी है, कंपनी विद इन सेवन डेज आप सच डिसीजन, ऐसे डिसीजन आप सच डिसीजन टू फाइल विथ ROC, ये क्या करेगी, ROC के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक नोटिस देगी एक किस में, राइटिंग ये क्या रहेगा, ये रहेगा कि फुल एड्रेस ऑफ अदर प्लेस, इसमें फुल एड्रेस रहेगा अदर प्लेस का। सच इंटीमेशन इज टू मेड, ये किस में, ये जो इंटीमेशन होगा ये किस में बनेगा, ये बनेगा फॉर्म ई, फॉर्म AOC 5, ये किसको, ROC को, ठीक है, ई फॉर्म संख्या, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, AOC 5 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को राइटिंग में देगी। इसमें समझिए, अगर कंपनी कोई भी अपना जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जब कंपनी कोई भी चीज़ प्रिपेयर करती है या कीप करती है, बुक ऑफ अकाउंट, बुक्स, पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कब इंडिया से आउटसाइड इंडिया रखती है, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। तब इस दशा में कंपनी क्या करती है, विद इन 7 डेज ऑफ डिसीजन मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करती है, ROC को नोटिस देती है राइटिंग फॉर्म में, क्या ये फुल एड्रेस ऑफ द अदर प्लेस जहाँ पर ये रखेगी, इस किस फॉर्म में है, ये फॉर्म AOC 5 में, कहाँ पर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक। इतनी महत्वपूर्ण बात आपको प्लेस ऑफ कीपिंग बुक ऑफ अकाउंट्स, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे विचार से। चलिए अब दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट किस किस फॉर्म में, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये क्या है, रूल 3 किसका, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 का, ठीक। ठीक है, अब इसमें पहली पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रूल 3 कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014। इसके अनुसार द मेंटेनेंस ऑफ किसका, बुक ऑफ अकाउंट का जो मेंटेनेंस है, इसका जो मेंटेनेंस है बुक ऑफ अकाउंट या अदर जो भी रिलेवेंट पेपर्स हैं इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज परमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या है, ये परमिटेड है। सच बुक ऑफ अकाउंट या फिर अदर रिलेवेंट पेपर बुक्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल, ये क्या रहेगा,
ये एक्सेसिबल रहेगा कहाँ पर? इन इंडिया। सो आई एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट यूज। एक सब्सिक्वेंट यूज द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 हेयर आफ्टर रेफर्ड इन चैप्टर एज रूल 3.1। एक्सेसिबल होंगी इस किस रूल में है? रूल 3 का क्लॉज 1 में है। ये ऐसा कि इसको आप समझ लीजिए, द मेंटेनेंस ऑफ किस चीज़ का मेंटेनेंस? बुक्स ऑफ अकाउंट या रिलेवेंट पेपर या बुक्स ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में परमिटेड हैं। और इसकी जो एक्सेसिबल है ये एक्सेसिबल होंगे कहाँ पर? इंडिया में। और ये जो है ठीक है, ए सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट यूज, ये यूजेबल होंगे सब्सिक्वेंट यूज। और क्या है? एक्सेसिबल इन इंडिया टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट यूज। दूसरी बात क्या है इसमें?